हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहां पर बात करेंगे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके रिजल्ट के बारे में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपी बोर्ड के साइट से अपलोड हुई है। सो यहां पर हम उसी के बारे में बात करेंगे कि 10th और 12th का रिजल्ट कब आ रहा है, और जो एवरी ईयर आप देखते थे मेरिट लिस्ट बनती थी, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यूपी बोर्ड ने अपडेट कर दिया है कि जो आपकी जो इस ईयर जो 10th और 12th की मेरिट लिस्ट बनती थी एवरी ईयर, वो इस ईयर नहीं बनेगी। सो क्या कहा गाइज, इस ईयर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं हुए हैं। इस बार जो आपको मार्कशीट बनी है वो कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे बनी है। सो इसीलिए यूपी बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार कोई भी स्टेट वाइज कैसे भी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, राइट। एंड अगर हम 10th और 12th के स्टूडेंट्स की बात करें तो 10th और 12th का रिजल्ट एक साथ अपलोड किया जाना है। सो इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि बहुत ही जल्दी जो शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी ने लास्ट मंथ उसमें भी बोला था कि बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट अपडेट होने वाला है। So, यहां पर अब आपको बता दिया गया है 10 जुलाई तक जो आपका रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड के 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि दोनों का एक ही साथ आपका 10th और 12th का रिजल्ट 10 जुलाई तक अपडेट कर दिया जाएगा। सो आपके लिए जो इंतजार था, जो आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, वो अब खत्म हो गया है, राइट। सो अगर आप बात करें कि यूपी बोर्ड में मान लिया किसी स्टूडेंट को रिजल्ट में प्रॉब्लम है, मार्क्स में प्रॉब्लम है, सो वो कैसे करेंगे, ठीक है। और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे गाइज, upresult.nic.in साइट से जाकर आप चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी यहाँ पर आगे बताने वाली हूँ, राइट। एंड गाइज, अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी स्टूडेंट को अगर अपने मार्क्स में प्रॉब्लम है, अपने रिजल्ट संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो वो क्या करेंगे, उसके लिए उसको अप्लाई करना होगा। एंड गाइज, फिर उसका क्या होगा, उसका एक प्रोसेस होगा कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे कि उन्हें अपने मार्क्स से सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद उन स्टूडेंट्स का एक एग्जाम होगा, उसी बेसिस पे आगे उनकी जो फाइनल मार्कशीट है वो प्रिपेयर की जाएगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियरली बोला हुआ है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही पेंडेमिक सिचुएशन या आपकी कोरोना की स्थिति आप कंट्रोल में आ जाएगी, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम लिया जाएगा। उनके एग्जाम होने के बाद जो फाइनल मार्क्स आएंगे उन्हीं के बेसिस पे आपके फाइनल मार्कशीट बन जाएगी, राइट। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी, दो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी कि आपको अभी 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। सेकंड, इस बार कोई भी मार्कशीट अपलोड नहीं, कोई भी मेरिट लिस्ट आप लोगों की अपलोड नहीं होगी। थर्ड वन इज कि अगर किसी स्टूडेंट्स को मार्क्स में प्रॉब्लम है तो अप्लाई कर सकता है, पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल होते ही आपका जो मार्क एग्जाम होगा और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा। सो 3 पॉइंट्स है। अब गाइस, आप चेक कैसे करेंगे, upresults.nic.in2021 इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड किया गया है, लेकिन अभी 2021 का रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। सो इसी साइट से आपको अपना 2021 का रिजल्ट देख लेना है गाइज। एंड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और आपको दी जाएगी कि आप अपना रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। रिजल्ट चेक करने का एक बेसिक प्रोसेस होगा कि मेनली आप जो होंगे, आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर की हेल्प से अपना मार्कशीट देख सकते हैं। रोल नंबर तो आपका नहीं आया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर आपके स्कूल के पास अवेलेबल है, वहां से भी देखा जा सकता है। अदरवाइज नेम के बेसिस पर भी आपका जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जा सकता है, उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेम के बेसिस पर भी जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, आगे indiaresult.com पे अगर मान लिया किसी को अपना रिजल्ट चेक करना है, सो यहां से हम देख सकते हैं indiaresults.com, ठीक है गाइस। सो अगर हम इस साइट से जाकर देखते हैं अपना रिजल्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइट वाइज आपको रिजल्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर जैसे हमारा उड़ीसा का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, तो आप देखेंगे कि कुछ रिजल्ट आ चुके हैं उड़ीसा के, तो ये अवेलेबल है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रोल नंबर और नेम पूछा है, ठीक है। रोल नंबर क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपने एग्जाम नहीं दिया था, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो नेम के बेसिस पर, जैसे कि मेरा नेम प्रिंसी, तो आप देखेंगे प्रिंसी यहाँ पे नाम लिखेंगे एंड फाइंड रिजल्ट, तो आप देखेंगे प्रिंसी के नेम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे प्रिंसी माझी के नेम से ही 2 स्टूडेंट्स हैं, तो अपने सामने फादर नेम से वो चेक करेंगे एंड उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं, जैसे कि ये अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, मान लिया इसको देखना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पूरा परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा, पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्कूल, इस बेसिस पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे, राइट गाइज। जैसे हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं प्रिंसी माझी के बारे में,
सो गाइस जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना रिजल्ट ओपन कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है, किस तरीके से मार्क्स आया है, नेम के बेसिस पे, क्योंकि आपके पास रोल नंबर नहीं है। सो नेम के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपको तुरंत आप अपना रिजल्ट साइट से चेक कर सकेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। सो जल्दी से वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस बार मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। प्लस आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, और आप रिजल्ट देख सकेंगे, अपने नेम के बेसिस पर भी देख सकेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझ आया तो लाइक करके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके सो बाय, टेक केयर।